बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिजाइनर, और आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और माँ दुर्गा की आराधना में व्रत, पूजा, जागरण बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। व्रत के साथ साथ हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन का भी महत्व बताया गया है, और इस कन्या पूजन में 9 छोटी कन्याओं को पूजा जाता है जो कि 9 देवियों का रूप मानी जाती हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि में इन कन्याओं के रूप में माता रानी खुद हमारे घर में दर्शन देती हैं। अगर हमारे घर की एनर्जीज अपलिफ्टेड हो, पॉजिटिव हो, हमारे घर में पॉजिटिविटी हो, प्यार हो, तो चलिए देखते हैं। अगर एनर्जी की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर माता रानी को बुलाना है तो अपने घर में एनर्जीज कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे बढ़ाएं, पॉजिटिविटी कैसे लाएं। आपने कभी रियलाइज किया है जब आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ कितना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, हमें कितनी शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे सारा स्ट्रेस हमारी लाइफ से निकल गया हो। कभी सोचा है आपने इसका कि रीज़न क्या है? वहाँ सब एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखते हैं, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, चैंटिंग्स चलती हैं, तो वाइब्रेशंस अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाती हैं। सिमिलरली अगर हम अपने घर में एक दूसरे से प्यार से बात करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का काम में हाथ बटाएं, आपको नहीं लगता कि हमारे घर की वाइब्रेशंस भी अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाएंगी, घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और माता रानी अपनी कृपा बरसाने हमारे घर इस नवरात्रि ज़रूर आएंगी। इसके साथ साथ अगर हम कन्या पूजन की भी साथ करते हैं तो माता रानी तो खुश होते ही हैं, साथ साथ हमारे घर का वास्तु दोष खत्म होता है, हमारे घर में सुख शांति रहती है, धन में वृद्धि होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, रिश्तों में प्यार आता है और घर की वाइब्रेशंस अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि कन्या पूजन कैसे किया जाए। कन्या पूजन यूजुअली अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है और हर किसी का अपना प्रचलन है, कोई अष्टमी पे करना प्रेफर करता है, कोई नवमी पे। तो इसमें 1-2 साल से लेके 8-10 साल तक कन्याओं को पूजा जाता है। इसमें सबसे पहले बुलाकर उनका अभिनंदन किया जाता है एक अच्छी सी स्माइल के साथ, उनके चरण धोए जाते हैं। चरण धोने के लिए आप या तो गंगा जल का यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी में 2 बूंद दूध डालकर उस पानी से भी आप कन्याओं के पांव धो सकते हैं, और उसके बाद बचे हुए पानी से अपने घर में छिड़काव करना मत भूलिएगा। उसके बाद उन्हें एक सुंदर से आसन पे बिठाया जाता है, उनके हाथ पर मोली और माथे पर उंगली लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। फिर उनको सात्विक भोजन परोसा जाता है जिसमें ना प्याज हो ना लहसुन हो, और उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार आप उन्हें कुछ दक्षिणा या कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, और उनकी अंत में ब्लेसिंग्स लेना नहीं, उनके पांव छूकर उनकी ब्लेसिंग्स लेना नहीं भूलिएगा। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी, खुशियां बनी रहेंगी। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में खुद ईश्वर विराजमान होते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।